दिल पत्थर हो जाए तो दिल को नरम कैसे किया जाए। रोए, दिल की जो सख्ती है ना वो रोने से खत्म होती है। अभी जापान के अंदर कुछ लोगों ने ना वो डिप्रेशन को खत्म करने का तरीका क्या, उनसे रुलवाया आगे से। अल्लाह भी यही करवाता है, उसे ही ले रहे हैं सारा। लेकिन वो इस बात पे जब रोएगा ना, अल्लाह तू दूर है, मैं कब आऊंगा तेरे पास, कब ये सफर खत्म होगा, यह भी तुम इन्हा जमिया से जो शुरू हुआ, हम जन्नत से बाहर निकाल दिए गए, कब मैं अपनी जन्नतों में जाऊंगा, खत्म तो होनी है ना एक दिन तो। और मैंने तेरा हक अदा नहीं किया, वमा कदरुल्लाह हक्का कदर ही। अल्लाह कहता है वहीं तौदू ने मतलब तू नेमतों को गिनेगा हमारी ला तो सुहा, तू उसको शुमार नहीं कर सकता। इन्ना इंसान लजलुमन कफार, बेशक इंसान तू बड़ा जालिम भी है, कफार में नाशुकरा भी बड़ा है। ये चीजें अपने अंदर बैठ के आज अकेले बैठ के सोचने ना, रात को बैठ के, यार मैंने क्या कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं अल्लाह से मैंने लिया, कितना कुछ और दिया कुछ नहीं। और अल्लाह जो है वो मोहताज नहीं है, मुस्तहिक है, वर्ड है मुस्तहिक, मोहताज नहीं है। तो ये अकेले में बैठ के रात को इन्हीं तन्हाइयों में जो आपको मौका मिल गया, अपनी सोशल एक ट्रॉमा से हम जो बाहर निकले हुए थे, गए हुए थे, उससे बाहर निकले हैं, तन्हाई मिली है, यूटिलाइज इट टू टॉक टू अल्लाह सुभान अल्लाह, उसे इस्तेमाल करें अल्लाह से बात करने के लिए। देखें मैं अल्लाह तेरा, मैं तेरा हक नहीं अदा किया मैं, अरे यार आप देखें हमने अल्लाह का हक नहीं अदा किया, हक अल्लाह ही अलल इबाद। और सबसे बड़ा हक अल्लाह का पता क्या था, मैं उसे अपने लिहाज से अगर समझने की कोशिश करूंगा, ये जो शराकत दारी होती है ना, पार्टनरशिप, इसके कुछ फॉर्म्स तो शरीयत ने अलाउ किए हैं बिजनेसेस के अंदर उसके अंदर, मगर बाप में पार्टनरशिप नहीं हो सकती, बाप एक ही होता है, हस्बैंड में पार्टनरशिप नहीं हो सकती, और बहुत सी चीजों में पार्टनरशिप, क्योंकि वहां एक ही होता है, हुकूमत भी एक ही चलाएगा, हम भी पार्टनरशिप नहीं चलेंगे, वो सारे उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, वो जो भी होते हैं हाकिम एक ही होता है। अल्लाह को जो सबसे ज्यादा चीज ना पसंद है ना, तो अल्लाह का कोई हक जो है ना, अल्लाह की जात के हवाले से या सिफात के हवाले से इंसान जो है ना वो इधर उधर दे दे, इससे बचना चाहिए इंसान, इसको बहुत ज्यादा इस पर ना, अल्लाह इस चीज को बहुत नापसंद करता है और इसे जुल्म कहता है, जुल्म अजीम कहता है अल्लाह, तो पसंद नहीं है, नशर का लजूम अजीम। तो अल्लाह हमने, मैंने खुद गैर दानिस्ता तौर पर इंसान ने कहां कहां पर अपने मन के सजदे दिए होते हैं, कहां कहां झुका होता है इंसान, जहां के अल्लाह पड़ा था वहां पर हमने अल्लाह को बड़ा नहीं रखा, रख दिया किसी और चीज को बड़ा। तो अगर हम इस चीज को भी सही करने की कोशिश करें ना, ये आफ्ते हम पर से टूट जाएंगे। अल्लाह तो कुरान में कहता है वली जो बद दिल अन्ना में बाद खौफ इमना, हम खौफ के बाद तुम्हें अमन दे देंगे, या बदून नहीं वाला इशर गुना भी सही है। इबादत इस तरह कर, सबमिशन ऐसे दे, सर्विट्यूड ऐसे दे, तजल्लुल ऐसे दे, झुकाव ऐसा दे मेरे आगे, मुझे सबमिट कर ऐसा कि वो सबमिशन किसी और के आगे नहीं हुआ। उम्मीद, खौफ, रिजा, मोहब्बत, तवक्कुल, इनाबत, हमद, और जो है ये अपनी जुबान, अपनी तरीफें, ये गुन गाने, ये सारा मुझे देते हैं, ये अपने अपने अंदर, ये सारे अपने जिस्म जिस्मानी हरकत, किसी को बड़ा और खुद को छोटा माना जाता है ना, ये मुझे दे दे सिर्फ। और आप देखें अल्लाह उस कौम पे से बनाए रखा कर देता है। और भी बहुत सी चीजें हैं उसमें, फाशी है, उरियानी है, शराब है, सूद है, और बहुत से कबीरा गुनाह है, लेकिन ये बड़ी चीजें हैं जिनसे अल्लाह ताला जो है ना इसको नापसंद करता है, इसको अल्लाह ने कबीरा तरीन गुनाह कहा है, इन्हें ये शिर्क और कुफर तक ले जाती है इंसान को, ये इस तरह से शराकत दारी जो अल्लाह के साथ है। तो अल्लाह को ये वाला हिस्सा अल्लाह का दें उसको, अल्लाह ये सारी बलाएं उठा लेगा हमारे ऊपर से। ये तौहीद की बरकत है, ये एक अल्लाह की तरफ कमिटमेंट की बरकत है। बाकी अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को, जितने भी बैठे हैं, जिस भी मसलक फिरके से ताल्लुक रखते हैं, मेरा सबके बारे में हुस्न-ए-ज़ानी, अल्लाह सबको अपनी आफियत